नमस्कार, ओम शांति। पाथ ऑफ सक्सेस में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं फोमलाल भाई जी, जो जिला पंचकुला, स्टेट हरियाणा, रायपुर रानी क्षेत्र से हैं। 2000 में वो सरपंच के नाम से नवाजे गए और 2005 से अभी तक जिला परिषद के मेंबर हैं और वो 3 बार चुने गए हैं। उनकी खासियत है कि खेलों में और आध्यात्मिक और शिक्षा के जो आजकल के जो युवा हैं उनको आगे लेकर आते हैं। बाकी जानकारी उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी और किस किस चीज़ में रुचि है और वह क्या क्या सेवाएं करना चाहते हैं। आइए इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं तहे दिल से। भाई जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, ओम शांति निधि जी। पाथ ऑफ सक्सेस में जैसे कि हम कहते हैं कि मेरे जीवन की सफलता की कहानी, तो कहानी ऐसी होती है कि हमारे साथ जो बीता हुआ पल, जो साथ साथ चल रहा है, तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आज दिन तक, जैसे मैंने अभी कहा कि 2005 से अब तक आप 3 बार जिला परिषद के मेंबर रह चुके हैं और उम्मीद है कि आप इससे आगे बढ़ते जाएं, तो इसकी शुभकामनाएं हम आपको अभी से ही देते हैं। लेकिन आपने, आपके इस जहन में कैसे आया कि मुझे यही कार्य करना है, जैसे खेलों में और आपका आध्यात्मिक में और शिक्षा में, आपने क्या सोचा? क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, करने के लिए, तो यही आपने क्यों एक पद चुना? दीदी, मेरी कोई 2000 में जब मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा तो मैं नहीं कहता भी वो कोई मेरी योजना थी जी, वो कुदरती ही ऐसे समय आया कि मुझे लड़ना पड़ा। अच्छा। और उसमें लोगों के आशीर्वाद से मैं जीता और मैं खेल में रुचि रखता था। उसके साथ साथ मैं कहीं ना कहीं मेरी परमात्मा में आस्था है, कोई शक्ति है जिसने हम सबको पैदा किया और हमारा वो लालन पालन करती है जी। और एक लाइट, एक प्रकाश, एक ऊर्जा जो हमें देती है जी। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा अपने नैतिक जीवन के अलावा हमारे यहाँ क्षेत्र के अंदर गढ़ी कुटाहा गाँव है, वहाँ पर हमारे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है बहुत होते हैं जी, जी। तो मुझे वहाँ पहले तो देखने का अवसर मिलता था और फिर जब मैं जनप्रतिनिधि चुना गया, फिर उसके बाद जिला परिषद का मेंबर भी चुना गया जी। फिर मुझे उन प्रोग्रामों में एज ए चीफ गेस्ट जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जो वहाँ पे ड्रामे होते थे उनसे कहीं ना कहीं शिक्षा तो मिलती है जी। भी कैसा हमारा जीवन होना चाहिए। रामायण के प्रोग्राम होते थे जिसको हम रामलीला कहते थे जी, जी। उसके अंदर जब राम का करैक्टर या राजा दशरथ या माता का करैक्टर कैसा है या फिर भाई का करैक्टर कैसा है या फिर सेवक का, और मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ, फिर मैं पॉजिटिविटी की बात करूँगा, ज़्यादा नेगेटिविटी की नहीं करूँगा। मेरा मानना ये है भी बड़ी विपरीत परिस्थितियाँ होते हुए भी भगवान श्री राम ने कैसा अपना जीवन, मतलब एक अपनी मर्यादा में रह करके जिया और उसके अंदर कितना शांत और कितने प्यार से, और उसको आज हम याद करते हैं, वो एक आदर्श उसके उसमें जाना जाता है। तो इसी तरह जब यहाँ के हालात जो हैं, अब की जो पोजीशन है, मैं समझता हूँ दिमागी तौर से हम तभी स्वस्थ हो गए जब हम शारीरिक तौर से स्वस्थ हो जी, जरूर। तो इसलिए मैंने थोड़ा खेलों की तरफ भी मेरा ज्यादा ध्यान। तो ये क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा था या आप ही परिवार के एक सदस्य हैं जो इस चीज को आगे लेके जा रहे हैं? नहीं, मेरे माता पिता जो हैं बिल्कुल, जिनको मजदूर किसान कहते हैं, मजदूर किसान खुद काम करने वाले खेत में। अच्छा। मैं ऐसे परिवार से आता हूँ, खेती बाड़ी करने वाले से, और मैं अपने 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ। तो मैं इसको गॉड गिफ्ट ही मानता हूँ, परमात्मा ने मेरे लिए शायद यही ड्यूटी, यही काम था। जरूर। जैसे आपने कहा कि आपकी खेलों में रुचि है,
आजकल के हिसाब से बहुत अलग अलग तरह से खेल हो चुके हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। आपकी मेन रुचि किस, जैसे नॉर्मली देखा जाए क्रिकेट है, वॉलीबॉल है या बैडमिंटन है, तो आपको रुचि होने के साथ आप स्टूडेंट को कैसे इसमें इन्वॉल्व करते हैं या क्या मैसेज देते हैं? क्योंकि आजकल की युवाएं, ये तीन चार जगह में मैं आपसे इस बारे में बात करूंगी, आध्यात्मिक में भी और शिक्षा में भी, आजकल के जो युवा है नशा की ओर ज्यादा जाते हैं जी, तो नशे से कैसे उनको खेल की तरफ लेके आएंगे? क्या मैसेज देते हैं जब आप पब्लिक में जाते हैं या युवाओं के बीच में जाते हैं, स्कूल कॉलेज आपका जाना बहुत जगह होता है जी, तो खासकर नशे के ऊपर क्या बात करते हैं दीदी? हमारा जो यहाँ पे जन्मजात खेल जो है, हमारी मिट्टी का जो खेल है जी, वो तकरीबन इस क्षेत्र का नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश का ही ना कबड्डी और कुश्ती रहा है। अच्छा। लेकिन 2000, अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे हर चीज के अंदर परिवर्तन हुआ है, तो उस तरह से कहीं ना कहीं खेलों में भी परिवर्तन हुआ है। अच्छा। अब जो पहले कबड्डी या कुश्ती को पसंद करते थे रूरल एरिया में, देहात के अंदर में, अब कहीं ना कहीं बच्चे सोचते हैं अभी मुझे क्रिकेटर बनना है जी, और अब क्रिकेट की यहाँ टीमें हैं, खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट के लिए कॉन्टिन्यू पूरी जो टीम है और एक पूरा सिस्टम चाहिए और मैं मुझे पैसा भी उसके अंदर चाहिए, तो हम बच्चों को ये बताते तो हैं बात, लेकिन दुनिया भाव के अंदर बही हुई है जी, जिस चीज का चलन है जी, उसकी तरफ जाएगी, हम रोकते तो नहीं। लेकिन मेरा मानना है भी जो कुश्ती अपना इंडिपेंडेंट गेम है या एथलीट्स के और भी रेस है या और जैवलिंग थ्रो है, मेरा मानना तो ये रहता है, ये फोकस रहता है भी आप अपना इंडिपेंडेंट गेम खेलें, ताकि कहीं ऐसा ना हो भी टीम वर्क की वजह से आपको कहीं ना कहीं अपनी क्षमता जो है वो दिखाने का मौका ना मिले। बिल्कुल। हाँ। लेकिन वो चीज तो एक कुश्ती में भी और एक कबड्डी में भी ली जाती है। कबड्डी के अंदर एक चीज है, जब हम पूरा टीम के साथ गेम खेलते हैं उसके अंदर एक अलग से बेस्ट उसका वो रखा होता है। अच्छा। कहीं ना कहीं जो आज के टाइम के अंदर जितनी टीम्स हैं अब, चाहे वो उनके अंदर उसको फिर मौका मिलता है जाने का जी, 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 हाँ जी, तो इस वजह से आपने ये रखा। और आपने दूसरी बात जो नशे की दीदी कही, वैसे तो नशा अब खान पान में ही है। बिल्कुल। क्योंकि मैं खेती बाड़ी करने वाले परिवार से हूँ, जितने खाद अब हम फसलों में बिजाई के टाइम कीटनाशक दवाइयाँ, कहीं ना कहीं उसके अंदर उनका रस तो है। बिल्कुल। और वो नई जनरेशन के अंदर देखने को भी मिलता है, जो हमारे से एक सीनियर पीढ़ी है या हमें कहें हमारे पिताजी वाली जो पीढ़ी है, उनकी हेल्थ में और हमारी हेल्थ में फर्क है 50% का। वो मेरे पिताजी की एज 80 साल है, वो मेरे से ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, मैं नहीं तो ना कर सकता। मतलब यहाँ पे तो ये खान पान की और इन सब चीजों के बचने के लिए तो एक्सरसाइज, खेल, दोनों चीजें होनी चाहिए। और मेरा मानना ये है भी काम करना एक अलग चीज है, एंजॉय या आनंद अलग चीज है, तो खेल में तो आनंद आता है जी, जी। और एक अपनी उसकी पहचान बनती है, जब आप किसी चीज में आगे बढ़ते हैं तो आपकी पहचान इलाके के साथ साथ प्रदेश और देश के अंदर आप जाने जाते हैं। अगला मेरा प्रश्न है आध्यात्मिक। आपने कहा कि मैं आध्यात्मिक में भी हूँ, तो आजकल जैसे कि देखने में आता है कि आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में भी आते हैं और राजयोग मेडिटेशन करते हैं और जैसे हमारे मुरली क्लास है वो भी करते हैं, लेकिन आप भक्ति मार्ग में जैसे आप रहे, तो दोनों की चीज में आपको क्या अंतर नजर आया? जैसे हम बचपन से दीदी हमारे पूर्वजों की जो लाइन है उसके मुताबिक मंदिर में जाना, कथा सुनना या एक भी हमें मत्था टेकना जा करके, लेकिन उसके पीछे का जो महत्व है वो हमें नहीं पता था। तो आपने उसको
गुड़ ढूंढने की कोशिश की, या ये भी आपका गुड गिफ्ट ही कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा हमारे लिए सौभाग्य की बात है भी हमारे यहाँ से एक ब्रह्मस कुमारी का जब से आना हुआ और हमें यहाँ रायपुरानी क्षेत्र के अंदर सेंटर मिला, और दीदी का किरण दीदी के जब यहाँ से जो चरण पड़े जी, ये उनका आशीर्वाद है। मुझे वैसे तो मतलब मैं सारे ही प्रोग्राम में तकरीबन इलाके में जाता हूँ, लेकिन दीदी ने जब मुझे यहाँ पे बुलाया, किसी प्रोग्राम में ही बुलाया था मेरे याद नहीं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जब मैंने मंच के माध्यम से, मैंने क्लास नहीं की थी, मैंने दीदियों की जो बातें सुनी उनसे कहीं ना कहीं हमें किसी त्यौहार के ऊपर आया था मैं, जब त्यौहारों का महत्व के बारे में जानकारी मिली भी हम कौन सा त्यौहार किस लिए और क्यों मनाते हैं, उसके पीछे का अर्थ जाना और उससे हमें क्या मिलता है। अब हम पहले जो त्यौहार मनाते थे एक वो देखा दिखाई थी, उसे यूं नहीं पता था अभी हमारे अंदर इससे क्या बदलाव आएगा, इससे क्या फायदे होंगे। और मेरा मानना यह है जब तक हमें इस चीज का पता नहीं होगा भी इससे क्या होगा, और जब पता लग जाए उसके अंदर आपकी जो भावना है उसको करने की वो डबल हो जाती है, मैं कहता हूं डबल से भी ज्यादा हो जाती है। जब उसके मायने सही भी ये रस पीने से कौन सा आनंद आएगा, तो ये मुझे यहां आकर के पता लगा भी इनके पीछे का क्या महत्व है। साल के अंदर जितने भी फेस्टिवल आते हैं तो दीदी सारे ही प्रोग्राम में मुझे तो आशीर्वाद के लिए बुलाते ही हैं। तो आपको इस संस्था में आने के बाद खास एक क्या चीज अच्छी लगी कि आपके अंदर कुछ परिवर्तन हुआ हो? परिवर्तन दीदी भक्ति भाव तो एक ठीक है, आनंद है, सब मानते हैं परमात्मा है, उसके जी, प्रति जी, भाव होने चाहिए जी। लेकिन जब ज्ञान हमें किसी चीज का हो जाए जी, उसके तो एक अलग ही है आनंद, मैं कहता हूं वो परमानंद, मेरा अपना जी, भक्ति आनंद में भी परमानंद वाले हैं बिल्कुल। लेकिन मेरा अपना अनुभव एक वहां तक जाने का रास्ता, परमात्मा से मिलने का रास्ता। और मैं अपना प्रैक्टिकल अगर अनुभव कहूं तो यहाँ पे जो मैंने मंच के माध्यम से सुना भी आत्मा की पवित्रता के लिए जी, ध्यान जरूरी है जी। लेकिन उसके साथ साथ जो शरीर के अंदर पवित्रता आई, शरीर का जो शुद्धिकरण हुआ, ये मेरा अपना अनुभव है। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी बताते हैं भी आपने सबको पॉजिटिविटी देनी है जी। और पॉजिटिविटी का ही आशीर्वाद देना, दृष्टि देनी है पॉजिटिविटी की जी। तो जब हम सभी के प्रति पॉजिटिव रहेंगे तो ऑटोमेटिक अंदर से खुशी आएगी, प्रसन्नता रहेगी। तो सबसे ज्यादा मेरा अपना अनुभव है भी उसके अंदर मेरी शरीर की शुद्धिकरण हुआ है पॉजिटिव, और मेरा बैठने का अनुभव उस शुद्धिकरण से बड़ा है। अच्छा हाँ। अब शरीर का अगर शुद्धिकरण नहीं है, मुझे मेरा अपना अनुभव है, तो आप ज्यादा टाइम नहीं बैठ सकते। आप कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा हाथ से पैर से उधर आदर से आप एक स्थिर अवस्था करते हैं, तो वो मैं ज्यादा आत्मा की शुद्धिकरण के साथ साथ जो शारीरिक शुद्धिकरण है वो मेरे साथ मेरा अपना अनुभव है, उससे मुझे काफी कुछ और चीजों में आसान हुआ है। तो ये आपको अनुभूति हुई, मेरी अपनी खुद की है अनुभूति, मतलब इससे आपका दूसरों की तरफ ये मैसेज जाता है कि अगर हम एक चीज को ठान ले या अपने आप को परिवर्तन करने की कोशिश करें तो वो हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकती है और स्थिर अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा मानना तो ये है भी हमने ना ठानने की जरूरत
ना करने की जरूरत। आप एक अच्छी जो कंपनी है, संगत है, उसको ज्वाइन करो। वहां से आपकी ये सब चीजें विदाउट संकल्प लेने की भी मैं तो कहता हूं जरूरत नहीं है, ये सब चीजें अपने आप भाग जाएंगी। आपकी संकल्प शक्ति तो फिर ना परमात्मा की प्रति, और आज के टाइम में इस सृष्टि के अंदर जिस चीज की जरूरत है उसके ऊपर काम करने का संकल्प लेंगे आप, फिर अपने आप का नहीं, मैं उसके ऊपर काम करने का संकल्प लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो अगला, जैसे आपने मेरे को तीसरा बताया शिक्षा, आजकल शिक्षा इतनी जरूरी हो गई है कि शिक्षा के बिना हमें कोई कार्य मिल ही नहीं सकता, ना कोई कार्य कर नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसे प्लेस हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां एक कन्याओं को, जैसे हम इस लड़कियों को एक स्टैंड होने का मौका नहीं मिल पाता। कई कई जगह है जहाँ स्टैंड भी होती है, लेकिन कहीं ऐसे जो गांव है वहां पे शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। आप कहेंगे कि हर जगह शिक्षा प्राप्त हो चुकी है, लेकिन मेरे नजरिए से कहीं ऐसी जगहें हैं जो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपनी बच्ची को नहीं पढ़ा पाते, हमारे पास पैसे नहीं है, हम बेरोजगार हैं, या हम रोजगारी खेतों में कमा के अपना गुजारा करते। उन लोगों के लिए, और जो हाई एजुकेटेड भी हैं शिक्षा वाले और उनको जॉब प्राप्त नहीं होती, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दीदी, मेरा मानना ये है, जैसे ये भी मैं यहीं से संस्था से जोड़ के बात बताऊंगा, मैं कहीं ना कहीं मानता था भी शिक्षा के बिना आदमी अधूरा है। और मुझे लगता था, मैं भी जब मीटिंग्स में जाता था बड़ी बड़ी, उसके अंदर सारे आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं जिला लेवल के, और मेरी एजुकेशन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है जी। मुझे भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी, लेकिन मेरा मानना यह है शिक्षित होना बहुत जरूरी है जी। लेकिन शिक्षा जो है वो हमारा जो ढांचा है, जो हमारा संविधान है, जो हमारी देश की कार्य प्रणाली है, उसको चलाने के लिए और उस सिस्टम के अंदर अपने आप को सुरक्षित, अपने अधिकारों के लड़ाई लड़ने के लिए ठीक है। लेकिन अगर शिक्षा के साथ संस्कार नहीं है तो वो शिक्षा, मैं मानता हूं, अधूरी है। और संस्कार जो है वो आपको अध्यात्म से आएंगे जी। और मैं समझता हूं भी बहुत, सबसे बड़ा और बेस्ट जो केंद्र है संस्कारों का, वो बाबा के द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मा कुमारी। क्योंकि आज के टाइम में आप कितने भी संस्थाएं चल रही हैं, मैं किसी के ऊपर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करूंगा जी, लेकिन आपके पास सबसे पहले भी सामने वाले के अंदर कितनी पवित्रता है, वो भगवान से कितना जुड़ा हुआ है, ये पता होना चाहिए। और ब्रह्मा कुमारी का तो मैं मानता हूं, उन्होंने जब अपना जीवन ही त्याग दिया, घर बार माँ बाप और अपने जीवन के जितने भी सुख हैं वो त्याग दिए, तो इससे शुद्ध जीवन और शुद्ध आत्माएं तो और जगह मैं नहीं कहता। इसको आप शिक्षा का एक दर्जा देना, शिक्षा का दर्जा। और मैं कहता हूं भी अगर संस्कारों की बात है, दोनों चीजें शिक्षा और संस्कार, तो मैं मानता हूं भी यहां से बेस्ट नहीं, क्योंकि यहां कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं आपसे शिक्षा ले रहा हूं जी। तो मेरा शिक्षा देने वाले तो एक साक्षात परमात्मा का अंश है, के रास्ते पर चलने वाला भी एक शिक्षक कहलाया जाता है, और वो ही एक शिक्षा को ग्रहण करते हैं। वो ही पूर्ण, कहूंगा वो ही पूर्ण शिक्षक है। मैंने जो स्कूल या हमारे बच्चे जो स्कूल कॉलेज या और जो संस्थाएं हैं उनसे शिक्षा जो ले रहे हैं, मेरा मानना है वो अगर अध्यात्म साथ में जोड़ेंगे तो सही मायने में वो शिक्षा कंप्लीट शिक्षा है जी। उसका आनंद कुछ अलग ही होगा जी। हाँ। बहुत अच्छा। लेकिन अंत में आप आजकल की जो ये युवाएं हैं, या आपके घर में भी जो महिलाएं हैं, जो आजकल की ऐसी हाउसवाइफ हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती, उनको और बच्चों को और युवाओं को एक अंत समय में आध्यात्मिक के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे?
आपका क्या संदेश जाना चाहिए? मैं पहली बात तो दीदी यही कहूंगा भी मात्र हमारे जो ये प्रोग्राम्स हैं, ज्यादातर लोग इसको टाइम पास, मनोरंजन और या समझो, ज्यादातर लोगों का मैंने ऐसा भाव देखा जी। अगर सही मायने में घर का एक मेंबर, परिवार का एक मेंबर, उसको जो दिशा निर्देश वहां से मिलते हैं उसको अपने जीवन में उतार ले, तो वो अपने परिवार को पहले सबसे ठीक करेगा और फिर उसके पड़ोसी को और फिर गांव को। कारण क्या है, अगर माँ बाप पेरेंट्स ने यहाँ पे क्लास ज्वाइन की हुई है तो ऑटोमेटिक देखो बेटा है बेटी वो भी जुड़ेंगे। बेटी आगे जाएगी अगला परिवार, क्योंकि बेटी से तो दो परिवार ठीक होते हैं, जुड़े होते हैं, माई के परिवार और उसके ससुराल परिवार। तो जरूरत है आज के टाइम के अंदर, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से और संस्था के माध्यम से ही कहूँगा भी अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको क्लास ज्वाइन कराएं, ताकि शिक्षा के साथ साथ उनकी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो हो, मानसिक तौर के ऊपर वो स्ट्रांग हो गए और शिक्षा के अंदर भी आसानी रहेगी हासिल करने में जी। और जो उसका सही रस, सही आनंद, उसका भी अनुभव होगा। हाँ बिल्कुल जी जी। आज हमारे इस कार्यक्रम में जो आपने बातें सीखी भाई जी के द्वारा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे आजकल के यूथ इसको ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में लेकर आएंगे। आप इसी तरह से हमारे स्पेस म्यूजिक के कार्यक्रम में आते रहें और किरण दीदी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते रहें। आपका बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति दीदी। एक शब्द जरूर कहूंगा, जरूर, जरूर। तो किरण दीदी तो इस क्षेत्र के लिए मतलब मैं तो कहता हूँ हमारा इस क्षेत्र के लोगों का पिछले जन्म का रिश्ता होगा कोई। इनकी जो एक अट्रैक्शन है, जहाँ प्यार है, प्रेम है, वहीं सब कुछ है। तो वो एक अपने आप में बहुत अलग वो है। मुझे कितना भी मैं बिजी होता हूँ, कितने भी मेरे प्रोग्राम कहीं भी हो, और मुझे कहीं ना कहीं यूं लगता है भी मैं सही मायने में अभी इस मंच के ऊपर आपके सामने के बैठने के शायद लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी इनका जो प्यार है, इनकी जो अट्रैक्शन है, मना तो कर ही नहीं सकते। नेगेटिव ना शब्द नहीं रहती है तो नेगेटिविटी भी नहीं रहेगी कहीं कहीं। तो इसके लिए मैं किरण दीदी का और सारे अपने रायपुरानी सेंटर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सब का धन्यवाद भी करता हूँ, हार्दिक बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं उन सभी को। हम इसी तरह मिल के इस क्षेत्र के लिए काम करते रहें ताकि यहाँ से धन्यवाद धन्यवाद। ओम शांति।